भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल वर्षा झा ने बच्चों को समय पर ना आने के चलते स्कूल गेट के बाहर का रास्ता दिखा दिया। बच्चों का कहना है कि स्कूल की प्रिंसिपल हमारी समस्या नहीं समझती, अगर हम 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमको कड़ी धूप में बाहर खड़ा किया जाता है, हमसे कड़ी धूप में कचरा उठवाया जाता है। पूरे मामले में प्रभारी प्रिंसिपल का कहना है कि मैं स्कूल में अनुशासन के लिए नियुक्त हुई हूँ, बच्चों को अनुशासन सिखाना मेरा काम है। उसके 5-10 मिनट बाद के बाद एक लड़की थी जो 10:30 के अंदर आ रही थी तो उसको गेट बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर 10:40 पे मैंने गेट खोला है ना, वीडियो में सब है, उसमें कैमरा में है। तो गेट 10:40 पे मैंने खुलवाया था, बच्चों को बोला कि वहाँ पे एक मैडम थी जिन्होंने बोला कि बच्चे छोटे हैं वो लोग उनको आप अंदर कीजिए। तो मैं जब अंदर करने लगी उन बच्चों को तो ये भाई साहब बोले कि कोई अंदर नहीं आएगा, आप बाहर ही रहेंगे। ठीक है, तो तब से बच्चे बाहर हैं। मैं 2-3 बार जब खुद बात करके आई हूँ बच्चों से। आप मानती हैं आप गलत नहीं हैं? मैं गलत नहीं हूँ। तो आप गेट बंद क्यों कर रही हैं? अरे वहाँ पे मीडिया सेंटर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए बंद कर रही थी। और मैं मैंने आपको बोला मैं वहाँ आके बात कर रही हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ है ना, मैं आके बात कर रही हूँ। नहीं मैंने इनसे ये थे, अरे माने मेरी बात, वो ऑफिस अब भी खुला है, एक दिन पहले खुला है। नायडू स्कूल का ये नजारा है, बच्चों को लेट आने पर जो है गेट के बाहर बैठाया गया है और बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से दूर से आते हैं और शायद किसी की गाड़ी का जो बताया जा रहा बस का टायर पंचर हो गया था जिसके बाद वो लेट हो गए, तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और गेट के बाहर बैठा दिया है। मैं एक लड़की से बात करना चाहूंगी। मैम मेरा नाम राधिका राजौरी और हम लोग यहाँ पे कब से 1-2 घंटे से हम लोग कब से बैठे और हमें धूप में खड़ा करके रखा है, ये लोग बोलते हमारी पढ़ाई करवाएंगे, हमारी पढ़ाई की लॉस, चक्कर आ रहा है लड़कियों को, चक्कर आ रहे हैं, कब तक लड़के चक्कर खाते हैं? और ये डेली हो रहा है, ये डेली कर रही है मैम, जो न्यू मैम आई ना वर्षा झा मैम, वो डेली अत्याचार कर रही है, टीचर्स की भी नहीं सुनती, वो टीचर्स को भी डांटती है, टीचर लेट आती तो उनको भी पनिशमेंट करती है। ऐसा क्यों किया? ऐसा बस मैम एक बात बताइए, सबके घर में प्रॉब्लम्स होती है, कोई कोलार से आता है, कोई सलैया से आता है, कैसे आएगा कोई मैम, कोई कैसे आएगा? आप ये बताइए बसें टाइम पे नहीं आती, इतना का बसें लगवाओ, मैम लोगों के साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, हम लोग पागल नहीं है, हम लोग बस यहाँ तक आए, हम लोग लेट हुए है ना, थोड़ा सा लेट हुआ, सबके घर में प्रॉब्लम होती है, समझना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि बच्चों को धूप में खड़ा करके रहा, हम लोग कब से खड़ा, हमारी हालत खराब होगी, ये लोग पैसे लगाएंगे। हमारे प्रिंसिपल से बात हुई, मैं प्रिंसिपल तक की वो नहीं सुन रही, 5 मिनट लेट हुआ, हमें भगा दिया गया, इतनी धूप में बाहर खड़े किया, बच्चों को चक्कर आ रहे हैं। तो देखिए आप किस तरीके से प्रिंसिपल पर जो है आरोप लगा रहे हो, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रिंसिपल है वो काफी लंबे समय से इस तरीके की जो है पूरा काम कर रही है और कई बार बात करने के बाद भी बातचीत नहीं बन पाई। हमारे साथ स्कूल के प्रोफेसर है सर आप? नहीं मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड में। लोगों की बात क्यों नहीं मानी जा रही, क्या बात? अभी बात करें तब तो मानेंगे, बात ही वही तो समाधान के लिए बात करने आया हूँ मैं कि क्या चाहते हैं आप, कितने हम लेट अलाउ कर दें, हम करा देंगे, यदि आप चाहते हैं कि हमें 15 मिनट तक अलाउ कर दें 15 तक करा देंगे, जो एक कॉमन बात करें, एक बात तो करनी पड़ेगी। जब बात हर दिन बच्चों को हर दिन कुछ ना कुछ वार्निंग दी जा रही थी कि समय से आओ समय से आओ, आज थोड़ा सा इच्छा हुआ, बदतमीजी की जाती है, यहाँ बच्चे यदि 5 मिनट लेट हो जाते तो गेट बंद किया जाता है और यहाँ स्कूल में यदि बच्चा लेट आएगा तो उसको पनिशमेंट दी जा रही है, स्कूल में आने के बाद पनिश किया जा रहा है बच्चों को, ये सरोजनी नायडू स्कूल में हो रहा है सारा काम। सरोजनी नायडू स्कूल में क्या? मैं अपने बच्चों को सरोजनी नायडू स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं पेरेंट्स हूँ, ये मैं पेरेंट्स की शिकायत है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है इस स्कूल में और 2 दिन से गेट बंद किया जा रहा है 10:30 बजे। बच्चे भी आरोप लगा रहे कि प्रिंसिपल मैडम जो है वो पीरियड के समय भी बाहर कर देती हैं और बोलती नहीं बताए ना, पीरियड के समय क्यों वापस किया जाए, पीरियड के समय क्यों बाहर करेगा कोई, प्रिंसिपल नहीं क्यों वापस किया जाएगा भाई, आप कुछ समझ सकते हैं, पीरियड के समय क्यों वापस किया जाएगा बाहर होने के बाद जब बताते इसके बाद भी मानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल कुछ डिसिप्लिन की बात हो रही है, डिसिप्लिन में हो जाए उसके लिए का न चालू करने का और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रिंसिपल साहब का कहना है सरोजनी नायडू स्कूल की। सर तो अब आगे इस मामले में क्या करेंगे आप, जिस तरीके से देखिए
जैसा बच्चे या पेरेंट्स जैसे डिमांड करेंगे हम उतना अलाउ करा देंगे। 15 दिन यदि 10 मिनट 15 मिनट की बात करते तो कर देंगे अलाउ, या उनकी बस की मांग है तो बस के लिए प्रयास करेंगे कुछ बस हो जाए। ठीक है, तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखेंगे बच्चों की साफ तौर पर मांगे कि जो प्रिंसिपल मैडम है वो शायद नहीं आई हुई है, इस वजह से जो है बच्चों की और उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। और जो है दूसरे स्कूल के टीचर्स का साफ तौर पर कहना कि बच्चों की जैसी मांग होगी पूरी की जाएगी, लेकिन इस तरीके का जो है अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि बच्चों को देरी से आने पर ये कार्रवाई की गई थी। हालांकि बच्चों का साफ तौर पर प्रिंसिपल पर आरोप है कि वो जब भी कोई समस्या होती है उनसे समाधान के लिए जाओ तो वो समाधान के लिए कोई राय भी नहीं देती है और हमेशा ही परेशान करने के उद्देश्य से काम करती है। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना अनादि, टीवी भोपाल।